नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, जो चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश हैं और विशेष न्यायाधीश हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भोपाल में। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आपको याद दिला दें, ये एक लाइव फोन कार्यक्रम है, तो आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कानूनी मशवरा देने के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ आपको टेलीफोन के माध्यम से उचित मशवरा देंगे। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नंबर्स हैं 0755, जो कि भोपाल का लैंडलाइन कोड है, और नंबर है 2660049, और एक टोल फ्री नंबर भी है जो है 1800-233-0040। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। मैडम, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, आम भाषा में आप ये किस तरह हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे? देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसे हम हिंदी में परक्रामलिखित अधिनियम भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान परिवेश में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिसमें बहुत बड़े अमाउंट्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जी, तो उनको कन्वीनियंट बनाने के लिए और उनके लिए एक सहूलियत प्रदान करने के लिए इस एक्ट का जो इनैक्टमेंट है वो 1881 में किया गया। जी, ये एक्ट जो है वो इट्स टोटली टेक्निकल लॉ, जिसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जो आजकल के जो ज़माने में आजकल के जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो चल रहा है उसमें हम ज़्यादा ज़्यादा हमें यूज़ में आता है। जैसे अगर हम देखें तो जो एक्ट है वो तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है बेसिकली। अब आपका प्रोमिसरी नोट, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका चेक, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा अभी हमारे उपयोग में आता है, आप सभी को पता होगा, वो चेक है। चेक सबसे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हम इसका यूज करते हाँ। हैं। एक छोटा सा अकाउंट खोलने से हमें बड़ी सी चेकबुक पकड़ा दी जाती है, भले ही हमें उसका यूज करना आता हो, हमें उसके बारे में पूरी तरह पता हो या नहीं, जी और उस पर साधारण से साइन करके हमें बस उसे जारी करना बहुत शुरू में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जब उसके बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने होते हैं तब हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या लेके रखा था। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली चेकबुक्स आजकल हम सभी को बैंक इशू करता है, लेकिन वो चेक के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे हाथों आती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। चेक इशू करते समय भी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। उसमें डेट प्रॉपर डलती है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, अकाउंट पे ही चेक है, सिग्नेचर की डेडलाइन है, अमाउंट का उसमें एक प्रोविज़न रहता है कि इस लिमिट के लिए वो चेक यूज़ होता है, हम किसे दे रहे हैं, किस इंटेंशन से दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो सार है मैम, वो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जिसको चेक इशू करते समय ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी हम किसी को चेक इशू करें जी, सबसे पहले तो हम ये जरूर देख लें कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और किस बैकग्राउंड का है। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन है जी, हमने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान, किसी रजिस्ट्री के दौरान, या कोई भी आपका कोई भी ट्रांजेक्शन है, जब भी आप चेक इशू करते हैं तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके अकाउंट में क्या उतना सफिशियंट बैलेंस है जिसके लिए आप वो चेक जारी कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो चेक आप दे रहे हैं किसी को उसका नाम बहुत क्लियर होना चाहिए, जो डेट आप डाल रहे हैं वो डेट स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जी, तो शुरुआत में तो यही देखें आप, बाकी आप इस चीज से भी अवेयर रहें कि जो आप एक चेक लीफ उसे बहुत नॉर्मल कोर्स में आप दे रहे हैं उसकी लाइबिलिटीज बहुत बड़ी होंगी, तो सोच समझ कर दीजिए। जी, मैम क्या होता है कि कई बार इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं और अनजाने में ऐसा हो जाता है, तो ये जो एक्ट है ये क्या उनको भी सपोर्ट करता है, क्या उनको भी अपनी गलती सुधारने का मौका देता है जिनका चेक बाउंस होता है? देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन जब बनाया जाता है तो वो आपसे इजाज़त लूँगी, एक फ़ोन कॉल हम अटेंड कर लें। हमारे एक व्यूअर जुड़ रहे हैं बाराबांकी से। हेलो जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, शायद संपर्क टूट गया है। जी आप बताएं, आप क्या बता रहे थे मैम? आप हमें ये जानकारी दे रहे थे कि लाइबिलिटीज कौन सी साथ में होती हैं, जब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि चेक इशू करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। क्या होता है, जब भी हम किसी को चेक इशू करते हैं, चेक नहीं, एक्चुअली जो लेजिस्लेचर जो जी, है जी, वो दोनों पार्टीज को उनके राइट्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, चाहे वो आपका परिवादी हो या आपका वादी और हाँ परिवादी वादी दोनों के लिए। परिवादी हो, आपके
आरोपी हो, आपका जो भी हो, सामने वाला एक्यूज्ड है, उसके भी राइट्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कंप्लेनेंट के फेवर में अगर वो जा रहा है तो आरोपी को भी एक मौका देगा संभलने के लिए। तो अगर जैसे हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर बात करें, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। सबसे पहली बात तो आप किसी भी स्टेज पर, आप एक्ट आपको कई जगह ये मौके देगा कि आप उसको कंपाउंड करें, उसमें राजीनामा कर सके, उसका शमन हो सके। ठीक है, आप चाहें तो जिस दिन आपको आदेशिका जारी होती है इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट में, आप उस दिन कंप्लेंट से संपर्क करके उसे राशि लौटा सकते हैं। आप जब कोर्ट में आ जाएं, कोर्ट में जिस दिन आपने बेल कराई है, आपको अपराध की विशिष्टियां सुनाई जाएंगी, आप उस दिन चाहें तो आप उस दिन उसका पेमेंट कर दें, या ट्रायल के दौरान किसी भी प्रक्रम पर आप उसको उसकी राशि देकर और इस एक्ट को जो है, जो आपके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं, उससे आप दोष मुक्ति पा सकते हैं। जी जी, कंपाउंडेबल जो वर्ड अभी मैडम ने यूज़ किया उसके बारे में आपको बता दें कि ये किसी भी स्तर पर राजीनामा के लिए हमेशा ओपन रहता है, और अपनी इंटेंशन को बताने का ये एक ऐसा अवसर बार बार हमें न्यायालय देता है कि आप जिस भी स्तर पर इसका पेमेंट करके और इस मैटर से राहत पाना चाहें तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। मैडम, स्टेजेस जानना चाहेंगे, कितना टाइम लगता है और क्या कोई डेडलाइन होती है, क्या क्या होना चाहिए केस को रजिस्टर करते समय? देखिए, वैसे तो जो हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो ये प्रावधान करता है कि आप जितना जल्द से जल्द आप चाहें उसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। हाँ जी, जी। लेकिन अगर हम स्टेजेस की बात करें तो जैसे ही कोई कंप्लेन हमारे पास आती है तो सबसे पहले उस कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन होना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मैम, हमारे व्यूअर जुड़ गए, नंद स्वरूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ सवाल पूछिए, प्राप्त करने के बाद हमें कितने दिन के अंदर चेक को पैक करा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग लापरवाही करते हैं, चेक रख देते हैं फिर पैक नहीं कराते, वो बाउंस हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए कितने दिन में हमें पैक करा लेना चाहिए? जी, इनका सवाल मैम वो डेट की डेडलाइन से संबंधित है कि कितने टाइम में हमको चेक को इन कैश करा लेना चाहिए या डिपॉजिट कर देना चाहिए। वो डेडलाइन के संबंध में आप थोड़ा सा ये भी विस्तार में बताएं कि पहले वो ज्यादा दिनों के लिए वैलिड हुआ करता था और फिर 3 महीने उसकी डेडलाइन हो गई, विस्तार से समझाएं। कोई भी चेक जैसे आपको ड्रॉ होगा तो उसकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो अभी के अगर इस सिनेरियो में देखें तो वो अभी 3 मंथ्स है। इससे पहले 2012 के पहले वो 6 मंथ होती थी। अगर आपको कोई चेक मिल रहा है तो आपको उसे विद इन 3 मंथ बैंक में प्रेजेंट कर देना। उस दौरान अगर आप कर देते हैं तो आपको पेमेंट होगा। अगर आप मान लीजिए वो वैलिडिटी पीरियड आपका निकल चुका है तो फिर मुश्किल है। एक चेक को सर्टिफिकेट की तरह आप समझिए, उसकी वैल्यू को समझिए, उसकी डेट की जो डेडलाइन है वो 3 मंथ्स है। मैम आप बताएं, आप हमें जो जानकारी दे रहे थे लेजिस्लेशन में दोनों ही तरफ के दोनों तरफ के पक्षकारों को, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पक्षकारों को देखकर बनाया गया है, आप कंपाउंड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे आप रजिस्ट्रेशन का पूछ रही थी कि स्टेजेस क्या होंगे, तो किसी भी चेक में पहले कंप्लेंट आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी आपकी विद इन लिमिटेशन है या नहीं, ये बहुत प्राइमा फेसा है उस टाइम हम ये जांच करते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम उसमें कॉग्निजेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम जो अक्यूज्ड है, जिसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट लगाया है, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए हम उसे आदेशिकाएं जारी करते हैं। जी जी, आदेशिकाएं जैसे समन वारंट, बेलेबल और गिरफ्तारी वारंट हम उसे जारी करते हैं। जिस दिन एक्यूज अपीयर होता है कोर्ट में, जब उसे नोटिस की उसके ऊपर सर्विस हो जाती है और जब वो न्यायालय में उपस्थित होता है, उपस्थित होने के बाद वो बेल कराता है। यहाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत जो अपराध है वो बेलेबल है, आप जब न्यायालय में उपस्थित होंगे आपको बेल मिल जाएगी। कई बार लोगों को ये भ्रांति होती है या उन्हें इस तरीके से बताया जाता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, तो ये बहुत बताना बहुत जरूरी है कि जो भी आरोपी हैं जिनके अगेंस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई है जी जी, तो जरूर उपस्थित होने। आपको इंटरप्ट करूंगी मैम, एक फोन कॉल हम ले लें, हमारे साथ सागर से जुड़ रहे हैं विपिन से टेलीफोन के माध्यम से। हेलो जी मैम, नमस्ते, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। शुक्रिया मैम को भी, नमस्ते प्रियंका मैम को। मेरे दो सवाल थे। जी जी पूछिए। पहला सवाल ये था मैम कि जो लोग चेक बुक रखते हैं उसमें कोई मतलब धोखाधड़ी ना हो, या उसमें कोई खतरा रहता है क्या, मतलब लापरवाह कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पहला ये था। और दूसरा ये था कि क्या चेक बुक का कोई दूसरा विकल्प भी है जो अच्छा लगता है उसे सभी लोगों को अपनाना चाहिए?
उनका पहला सवाल जो है मैम वो चेक बुक, जी ज़रूर, जो चेक बुक इशू की जाती है उसके साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो मतलब नटशेल में यही जानना चाहते हैं कि कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो चेक बुक कैरी करने के साथ हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चेक बुक कैरी करने के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो इकलौती जो जिम्मेदारी है आपकी, वो यही है कि अपने चेक को बहुत संभाल कर रखें, कभी भी चेक को साइन करके ब्लैंक ना छोड़ें, और हमेशा आप अपनी चेक बुक को अच्छे से रखिएगा ताकि कोई उसका मिसयूज़ ना कर ले। कई बार ऐसा, जैसे हम लोग कोर्ट में देखते हैं, कई बार लोग ये बोलते हैं कि हम हमारे चेक्स थे ब्लैंक थे, साइन थे, और वो कहीं गिर गए, कहीं छूट गए, या किसी ने उन्हें गलत तरीके से प्राप्त करके उसका मिसयूज़ किया है। जी तो हमेशा अपने चेक्स को बिना साइन करें, मतलब उससे पहले से बिल्कुल साइन ना करें, और हमेशा संभाल के रखें। इस जी चीज़ को जी समझें कि फिर वो आपका एक साइन किया हुआ ब्लैंक चेक आपको कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है, वो आप फिर अवॉइड करें। जी आपका पहला सवाल जो था उसका यही जवाब है कि आप कभी भी ब्लैंक चेक को साइन ना करें, अपनी चेकबुक को संभाल के रखें। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो चेकबुक के शुरुआत में, बीच में और पीछे की तरफ बैंक्स जो है वो एक प्रॉपर लॉग और लेजर मेंटेन करने के लिए एक प्रावधान दिया रहता है। उसमें आप चेक नंबर को अपने साथ ज़रूर रखें जो भी आप किसी को देते हैं, उसमें डेट डालें, हो सके तो अपने पर्टिकुलर्स भी अप्रोप्रिएट रखें, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, अकाउंट पे ही चेक बनाएं। और जो आपका दूसरा सवाल था वो आज के विषय से थोड़ा हटके है, पर फिर भी आजकल ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आप उन ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर अगर हम इसी पर केंद्रित बात करें तो मैम आगे आप हमें ये बताएं प्लीज़ कि, स्टेजेस, जी हाँ, जो स्टेजेस के बारे में आप तो हमें बता जैसे कि रहे मैंने थे। आपको बताया कि जब एक्यूज उपस्थित हो जाता है तो जी वो ऑफेंस बेलेबल होने से, हाँ हाँ क्योंकि वो बेलेबल है तो वो जी उसकी उसका लाभ ले सकता है। हाँ एक बार बेल हो जाने के बाद चार्ज का स्टेज आता है जहाँ पर हम उसको अपराध की विशिष्टियाँ सुनाते हाँ हैं कि उस जी पर इस धारा के अंतर्गत क्या आरोप है, उसे हाँ बताया जाता हाँ है। हाँ हाँ इसके बाद हम कई बार उसे ये भी पूछते हैं कि क्या वो राजीनामा करने के लिए इच्छुक है, या वो चाहता है कि वो जो राशि जिसके लिए हाँ वो लायबल है हाँ 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 जी उसको जी कंप्लेनेंट को, परिवादी को देना दे चाहे, दे जमा करना चाहे। हाँ अगर वो कहता है कि वो तैयार है तो इसी स्टेज पे सबसे पहले हमारा ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, इस स्टेज पे कोई कंपाउंडिंग शुल्क नहीं लगता उसे, क्योंकि ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। अगर इन केस मान लीजिए वो प्लीड गिल्टी करता है, वो चाहता है कि उसे विचारण चाहिए, इसके बाद क्या होता है कि हम अपने केस को एविडेंस के लिए वो लगाते हैं, फिक्स करते हैं, जिसमें हम कंप्लेनेंट की एविडेंस कराते हैं। कंप्लेनेंट की एविडेंस इसमें हमेशा एफिडेविट पे होती है। जी वो एफिडेविट लाएगा और उसके बाद उसका एग्जिबिशन होंगे उसके डॉक्यूमेंट्स के, जो कि चेक, डिसऑनर मेमो, सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद उसका जो कि उसके काउंसलर हैं जो उनके एडवोकेट हैं, वो उसका जी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद जब उसके सारे विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, इसके बाद हम केस को जो है एक्यूज एग्जामिनेशन के लिए फिक्स करते हैं, जहाँ पर एक्यूज से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनके उसे जवाब देने होते हैं कि उसे इसकी जानकारी है नहीं है, जी अपने बचाव में क्या कहना चाहता है, बचाव साक्ष देना चाहता है जी क्या, ये सारी चीज़। जी जी अगर जी उसने कहा कि वो बचाव साक्ष देना चाहता है तो हम अपने केस को डिफेंस एविडेंस के लिए फिक्स करेंगे। जी डिफेंस एविडेंस के बाद अगर मान लीजिए वो ये बोलता है कि उसे कोई एविडेंस नहीं देनी, तो हाँ हम यहाँ पर अपना केस जो है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स कर देंगे। फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे वो अपने आर्ग्यूमेंट्स, दोनों पार्टीज अपने आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे, उसके बाद फिर फिक्स जजमेंट के लिए हो जाएगी। जी 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 तो इसमें मैक्सिमम किस तरह की सज़ा का प्रावधान है? लोग क्योंकि डरते भी हैं, जैसे कि हम बात कर भी रहे थे कि कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है, कई बार गलत मैटर्स में भी मिसयूज़ हाँ भी किया जाता है, कई बिल्कुल बार बिल्कुल लोगों की इंटेंशन इतनी गलत होती नहीं है लेकिन उनको डरा दिया जाता है कि अरे तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, अब तुमको, तुम्हारी फैमिली को भी इसके लिए जो है सज़ा भुगतनी होगी। तो क्या ऐसा भी होता है मैम? क्या रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स या जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को भी लाइबल किया जाता है इसमें? देखिए, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का आप इस तरीके से समझें कि एक आपको कोई एक चेक आपको मिला जो कि जिसने आपको साइन करके दिया है, वो और उसके उसके साथ कोई और व्यक्ति, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, जी हाँ वो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स थे। अब वहाँ पर ये हुआ कि आपसे पैसे लिए हैं हस्बैंड ने, लेकिन अकाउंट हस्बैंड वाइफ दोनों का है, जी साइन अगर हस्बैंड के हैं तो वो उसके लिए लायबल होगा। मान ओके लीजिए उसकी वाइफ के भी उसमें साइन है, लेकिन लायबिलिटी उसी व्यक्ति की बनेगी जिसने आपसे वो अमाउंट लिया है। हम किसी भी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है, जिसका जिसने कोई अपराध नहीं किया, हम उसको कभी लायबल नहीं ठहराते। जी तो जी जिस लायबिलिटी उसी व्यक्ति की बनेगी जिसने आपसे पैसे लिए हैं, या जिस जो जो
रॉन्ग डोयर है। जी, जो उस पर्टिकुलर काम में सूत्रधार है, जो उससे रिलेटेड है, बस उन्हीं को लायबल इसमें करार किया जाता है। ये एक विशेष बात है कि पूरी फैमिली को डरने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके भी अगेंस्ट ये केस लाया जाता है उसको काफ़ी सारे अवसर दिए जाते हैं कि वो इस मैटर को ख़त्म कर सके आपसी समझौते से। अगर मैम भोपाल के बारे में आपसे जानना चाहें, किस तरह का ऑब्जर्व आप करते हैं, यहाँ पर लोग कितने जागरूक हैं और किस तरह के केसेस आपके समक्ष आते हैं? भोपाल देखिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ जी पर दूर दराज से भी लोग आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने, और जो ज़्यादातर लोग जो यहाँ के हैं वो वेल एजुकेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन ऑफ पीपल भी है जो कि अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है और बैकवर्ड लोग हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसे लोग भी जिन्हें कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत अकाउंट्स आजकल खोलना बहुत नॉर्मल बात है, और उनकी एक चेकबुक्स भी उन्हें मिल जाती हैं शुरुआती लेवल पे। तो वो चेकबुक तो उन्हें मिल जाती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस चेकबुक को यूज़ कैसे करना बिल्कुल है। जी। तो ऐसे लोग भी कई बार इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, तो बस हाँ सतर्क रहें उस मामले में। हाँ यहाँ पर जैसे अगर हम ये जानना चाहें कोर्ट फीस का क्या प्रावधान होता है, अगर हम केस कोर्ट रजिस्टर फीस करना चाहें तो क्या वो एक्सपेंसिव होता है, क्या लोग अफोर्ड कर पाते हैं? अगर उनका कोई अमाउंट है जिसका जो चेक बाउंस हो गया है, तो किस तरह वो कोर्ट में मैटर को ला सकते हैं और कितने दिन का प्रावधान होता है? देखिए कोर्ट फीस का ऐसा है कि जब भी हम न्यायालय में आते हैं, चाहे हम सिविल सूट लाएं चाहे हम कोई कंप्लेंट लाएं, हमें हमेशा उस पे न्यायालय शुल्क अदा करना होता है जो जी कि शासन के मद में जाता है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझ सकती हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोर्ट एक लंबा समय आप एक ट्रायल आपके कोर्ट में चलेगा, जिस दौरान स्टेशनरी और भी बहुत सारी चीज़ों की जी होंगी, तो वो उसका एक शुल्क मात्र जी है ये। जी जी तो कोर्ट फीस कभी भी ऐसे नहीं होती कि आप उसे अदा ना कर पाएं, बहुत नॉमिनल होता है। अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मिनिमम, अगर आपका चेक 1 लाख का है तो मिनिमम आपकी जो कोर्ट फीस होगी वो 200 रुपीज़ है, ओके और अगर और आपका चेक अमाउंट जो है या फिर उसका मैक्सिमम उसका 5% होगा। ओके अगर आपका 1 लाख से 5 लाख तक का है तो मिनिमम आपका 5,000 होगा और मैक्सिमम होगा आपका चेक अमाउंट का 4%। 5 लाख से ऊपर है अगर आपका, मिनिमम आपका जो कोर्ट फीस होगी वो 21,000 होगी, मैक्सिमम आपके चेक अमाउंट का 3%। तो जी बहुत वो अमाउंट जैसे जैसे आपका अमाउंट डिपेंड होगा वैसे बढ़ेगा, वैसे आपकी कोर्ट वो फीस एक उस पर स्लैब डिपेंड की तरह करेगी। है, वो एक बिल्कुल। स्लैब की तरह है, और वो फीस कभी भी इतनी नहीं होती जो कोई अफोर्ड ना कर सके। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, अगर आप उसी दिन जिस दिन आप परिवाद पेश करते हैं अगर आप उस दिन कोर्ट फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप न्यायालय से समय भी ले सकते हैं कोर्ट फीस के लिए। न्यायालय आपको पर्याप्त समय एक रीजनेबल टाइम देगी जिस दौरान आप अपनी कोर्ट फीस अदा कर सकते हैं। जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है, या हम अगर आपसे बेसिकली जानना चाहें कि हमने शुरुआत में भी कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में तीन तरह के आपने हमको बताए थे कि ये इसमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं, लेकिन उसमें मोस्ट पॉपुलर यही है, फ्रीक्वेंटली यूज जो आपका चेक है। फ्रीक्वेंटली यूज यही है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग धोखा खाते हैं। जो बाकी के दो हैं उनके बारे में अगर आप संक्षेप में कुछ बताना चाहें। हाँ देखिए, जो बाकी के दो हैं एक्ट उन्हें डिफाइन करता है जैसे सेक्शन 4 में डेफिनेशन क्लॉज में। तो जैसे हम बात करें तो चेक के अलावा प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो प्रॉमिसरी नोट को आप अगर साधारण भाषा में समझें तो किसी एक व्यक्ति द्वारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो स्वयं को किसी एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति को एक विनिर्दिष्ट राशि स्पेसिफिक व्यक्ति को स्पेसिफिक अमाउंट देने के लिए वचन देता है आपको, है ना, कि मैं आपको इस डेट में इतनी इतनी राशि आपको अदा करूंगा, ये आपका वचन पत्र हो गया प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर हम देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके दौरान एक हस्ताक्षर निर्देश है ना किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को एक स्पेसिफिक राशि देने का आदेश, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या ऐसे भी कुछ चेक्स होते हैं मैम जो इस एम्बिट में नहीं आते कि चेक बाउंस की कैटेगरी में वो केस रजिस्टर करने लायक नहीं होते, क्या ऐसे भी कुछ होते हैं? अगर होते हैं तो प्लीज एग्जाम्पल दीजिएगा। देखिए जैसे जनरली हम देखें तो कई बार जैसे एक तरीके से सिक्योरिटी चेक्स की अपन बात करें तो सिक्योरिटी चेक जबकि आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जैसे बैंक हो गया आपका, बैंक कई बार आपको लोन देता है, कुछ सिक्योरिटी चेक्स आप रखवाते हैं, तो इससे पहले एक साइटेशन है सैंपली सत्यनारायण वाला, उससे पहले की जो स्थिति थी वो ये थी कि वो सिक्योरिटीज के जो चेक्स होते थे उन्हें 138 के एम्बिट में नहीं लेते थे। अभी अगर हम देखें तो कुछ चेक्स को इसमें 138 जो है उनसे अट्रैक्ट होता है,
लेकिन जब आपका पर्पस ही जो है वो कोई पेमेंट करने का ना हो, मान लीजिए मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ और आपको एक चेक दे रही हूँ कि अगर ये पेमेंट नहीं होता है तो ये आपका चेक, आप इसको इनकैश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो पेमेंट हो गया, मैंने उसे प्रॉपर तरीके से आपको प्रूफ एविडेंस के साथ ये चीज़ प्रूफ कर ली कि मैंने आपको ये पेमेंट कर दिया है, वो चेक अब आप मेरा लौटा दें, तो वहां पर फिर आप उसको 138 अट्रैक्ट नहीं होता है ना। मतलब अगर हम देखें तो लॉ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपको देता है कि अगर आप खुद को प्रूव कर सकें विद कोजेंट एविडेंस, आपको प्रूव करना होगा कि आपकी लायबिलिटी वहां पर नहीं बनती है। जी 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 ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं हम सभी के लिए जानना, क्योंकि जनरली हमें इन बातों पे जानकारी लेने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलता, क्योंकि आज हम इसी विषय पर आधारित जानकारी ले रहे हैं मैडम से। लीगल एड के हवाले से अगर आपसे जानना चाहें तो आपने लीगल एड बहुत में अच्छी बात कही है। लीगल एड सभी का प्रिय विषय है, स्पेशली जो जस्टिस इम्पार्ट करने के उससे जुड़े हुए ड्यूटीज से। लीगल एड एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से लोग अपनी लीगल प्रॉब्लम्स को लेकर जाते हैं, जहाँ पर कई केसेस में तो ऐसा भी होता है, स्पेशली महिलाओं के लिए तो वहाँ पर कोई फीस भी नहीं लगती। विस्तार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हवाले से बताएं कि लीगल एड में क्या प्रावधान है। देखिए, लीगल एड जो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहला तो ये लीगल एड का मतलब क्या है कि आपको विधिक सहायता। कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे ऑफेंस में, आपके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस अगर मान लीजिए हुआ है या आपने ऐसा ऑफेंस किया जी, है, जी. अपन को किसी भी तरीके का परामर्श की जरूरत है और आपको ये लग रहा है कि आपको कोई और व्यक्ति उसके लिए उचित सलाह नहीं दे पा रहा है, जी. तो सबसे पहले तो आप वहां जाकर एक परामर्श तो ले ही सकते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जी. जिला विधिक सेवा सदन है, जहाँ पर आप जाके किसी भी समय आप विधिक सहायता निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट पेश हुई है, आपको उसमें एक्यूज बनाया गया है, आपको ये लगता है कि आपके पास कोई अधिवक्ता नहीं है, तो आप वहाँ जाके बताएं तो आपको निःशुल्क शासन द्वारा अधिवक्ता की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे बड़ा जो एक मोड है जो लीगल एड का, वो आप मीडिएशन को समझें, जो समझौता वार्ता जो होती है, दो पक्षकारों को आपस में बिठाकर उन्हें समझाना, एक एक्सपर्ट मीडिएटर जज द्वारा ये समझाना कि मीडिएशन करने से आपको आपका समय तो बचेगा ही, साथ में आपका जो पैसे भी जो आप इस प्रोसीजर में दे रहे हैं, इस कार्यवाही में दे रहे हैं, वो भी बचेगा सारी चीज़ें, और विन विन सिचुएशन है कि दोनों पक्षकारों को कुछ ना कुछ फायदा होता है, नुकसान में कोई नहीं होगा। अगर एक को अपने पैसे मिलेंगे तो दूसरे के सर से ये सजा भी हट जाएगी, जी जी, जो कि 2 साल की सजा और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक जो जिसमें कंपनसेशन। आने वाली लोक अदालत के बारे में हमारे व्यूअर्स को जानकारी दें प्लीज। जी देखिए, जो इससे पहले मैं ये बता दूं, लोक अदालत मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है, जो नेक्स्ट लोक अदालत है हमारी वो 13 अगस्त को होने वाली है। ये डेट नोट कर लें, 13 अगस्त एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है लोक अदालत के हवाले से। जी, तो 13 अगस्त को जो भी पक्षकार चाहते हैं कि वो अपने केस को खत्म करना चाहें, पेमेंट करना चाहें, पेमेंट प्राप्त करना चाहें, राजीनामा करना चाहें, समझौता करना चाहें, तो वो बिल्कुल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आए और साथ में न्यायालय में भी आकर इस चीज को बता सकते हैं। और किसी भी 138 केस में दो तरीके से आपका राजीनामा होता है, या तो आपका जो परिवादी है वो अपना कंप्लेंट विड्रॉ करेगा, या सेक्शन 147 के अंतर्गत आपका होता है राजीनामा। जी 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 जी, आज के विषय से संबंधित अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, ऐसी बात जो नटशेल में आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने जीवन का छोटा सा छोटा काम भी करें अगर, तो वो हर एक चीज़ लॉ से गवर्न होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को करें पूरे सतर्कता से, समझदारी से करें। कभी भी अपन ये ना सोचें कि हमने एक छोटा सा काम भी किया है तो ये ऐसे चला जाएगा, कोई देखेगा नहीं। अब बहुत छोटी सी चीज़ है, हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम कई बार नहीं ध्यान देते, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते हैं, इतने बड़े बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े ऑफेंस हो जाते हैं जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो इसी तरीके से हम अगर देखें कि दैनिक जीवन में हम हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर इस तरीके से करें, जैसे एक चेक ही है मान लीजिए, जैसे जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको हमेशा संभाल के रखें, जिसको देना है उसके स्पेसिफिकेशंस क्लियर रखें, हर चीज़ को नोट करके चलें और ये देख के चलें कि इसका परिणाम क्या होगा आगे, तो थोड़ा भविष्य के बारे में जरूर सोचें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई इस विषय पर चर्चा करने के लिए। अगले मंगलवार जरूर देखिए कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो, हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर। इजाजत दीजिए मेघा तिवारी को, हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।